डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बी एड फर्स्ट ईयर सबसे मेरी तरफ से लख बधाइयाँ बहुत बहुत एग्जामिनेशन really आप सभी को ढेरों 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 सारी बधाई मेरी तरफ से फाइनली आपका रिजल्ट आ गया अरे डैम श्योर्स बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा उम्मीद से अच्छा रिजल्ट रहा और हर एक बच्चे का शानदार रिजल्ट रहा दो हजार इक्कीस बी एड फर्स्ट ईयर वालों का इस रिजल्ट की थोड़ी सी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस रिजल्ट के बाद बहुत चीजें क्लियर हो जा रही है बहुत चीजें साफ हो जा रही है कि पेपर कैसे लिखना है और पेपर के पेपर के मार्क्स कैसे मिलते हैं तो उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट देखिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हैं आप हिंदी में लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि इस रिजल्ट के आने के बाद चीजें क्लियर हो गई कि आप चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदी वालों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और इंग्लिश वालों को भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं भी वो भी बात करेंगे किसके कितने मार्क्स आए हैं सबके बारे तो वन चीजें वन थिंग इज क्लियर दैट इट डजन मैटर दैट विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू राइट एग्जाम इन आदर यू आर राइट इन इंग्लिस और हिंदी डजेंट मैटर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने तैयारी अच्छी करी है तो दूसरा पॉइंट पेजेस कितने लिखना है यह भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चों ने बाईस और तेईस पेजेस लिख के बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं मतलब मोर देन एटी परसेंट एटी टू परसेंट अब बाईस से तेईस पेजेस लिख के और तीस से तीस इकतीस पेजेस लिखने वाले बच्चे भी अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो आपकी क्वालिटी क्या लिखने की है ये चीज़ें मैटर करती है ये नहीं मैटर करता कि आप कितने पेजेस लिखते हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी राइटिंग अच्छी है ना कमाल कर गया मतलब जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना उसको उम्मीद से बेहतर रिजल्ट मिला है उम्मीद से बेहतर मार्क्स मिले हैं तो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है बहुत अच्छे मार्क्स गेन किया उन्होंने ऐसा नहीं कि जिसमें जिनसे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है हैडिंग वेडिंग बना के मतलब अच्छे मार्क्स मिले ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स मिले अब देखिए दो चीज़ें अगर इंडिविजुअल बात करें कि रिजल्ट कैसा रहा तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और रिजल्ट अच्छा नहीं भी रहा मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ देखिए सबसे पहली बात अगर आप केवल खुद का कंपैरिजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा बच्चा होगा जो ये कहेगा कि नहीं मेरी तैयारी ज्यादा थी मुझे मार्क्स कम मिले ऐसा कंप्लेन करने वाला तो शायद ही कोई मिलेगा इस पूरे यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उनका रिजल्ट देख के यही लगता है कि जिस हिसाब से तैयारी थी क्योंकि आपकी तैयारी क्या थी पूरे साल सबसे पहले तो कोविड और ये टेंशन था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा कब होगा पोस्टपोन्ड होगा कैसे होगा क्या होगा इवन एग्जाम्स के पहले तक बच्चों के पास सीरीज नहीं थी बुक्स नहीं थी उसके बावजूद भी अच्छे मार्क्स तो वही कह रहा हूँ कि किसी को इस बात का कंप्लेन नहीं होगा कि नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी मैंने पूरे साल मेहनत करी थी और नंबर्स कम मिले नंबर उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा ही मिला होगा जिस हिसाब से आपके पूरे साल का मेहनत था उस हिसाब से अच्छा ही नंबर मिला हुआ लेकिन अगर आप जब दूसरों से तुलना करेंगे आपका खुद का नंबर तो बहुत आप सेटिस्फाई सेटिस्फाई होंगे होंगे 100 होंगे। लेकिन जब आप दूसरों से तुलना करेंगे ना तो शायद थोड़ा सा आप डिसंट हो सकते हैं क्योंकि वो बच्चे जो एग्जाम से एग्जाम्स लिखने के बाद वापस आके सैड होते थे कहते थे मेरा पेपर खराब हुआ है उनके और अच्छे मार्क्स आ गए वो बच्चे जो बिल्कुल घूमा करते थे मतलब ऐसे कॉलेज uh, छोड़ के गायब है कहीं दिल्ली घूम रहे हैं कहीं कोई कोलकाता घूम रहा है कोई मुंबई घूम रहा है या फिर कहीं वो बिजी हैं अपने पर्सनल लाइफ में और बस एग्जाम्स के टाइम उन्होंने बुक खोला उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले तो जब हम दूसरों से देखेंगे ना तो शायद कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो जाएगी अरे यार उसके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आ गए उसके मुझ... लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है ये चीज़ें नहीं करना है एज़ ए गुड स्टूडेंट आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और किसका कैसे आया है ये उसकी चीज़ें उसकी उसकी थिंग्स है कि उसने एक पेपर कैसे लिखा तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट रहा ठीक और जो नंबर्स की बात करें मोस्टली नंबर्स कैसे मिले चालीस से लेकर साठ के बीच में फोर्टी टू फोर्टी फाइव फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी एट फिफ्टी मोस्टली बच्चों का चालीस से साठ के, के बीच में, में नंबर आया है थीरी पेपर में अगर ओवरऑल की बात करें तो 530 सौ तीस से लेकर 570 सौ सत्तर के बीच तक 530 से 5 520 भी ले लें 520 से लेके 570 सौ सत्तर इन सी पचास रैंक नंबर्स के अंदर साहब के ओवरऑल नंबर्स आए हैं किसी का 530 35 40 41 42 इकतालीस और सबसे ज़्यादा जो सर्किल बनाया ना वो बनाया है कहाँ पर पैंतालीस के बाद से ना चालीस के बाद से 40 और 60 के बीच में बहुत ज़्यादा 40 के बाद से देखो तो इकतालीस बयालीस पचास पचपन मतलब भर भर के नंबर मिला है ओवरऑल की बात करें तो सिक्सटी से ज़्यादा परसेंटेज सबके आए हैं और हाइएस्ट तो एक बच्चे का बहुत ज़्यादा गया उसकी रिजल्ट देखेंगे अभी थोड़ी देर में लेकिन 60 से ज़्यादा परसेंटेज आए हैं सबके और जो सर्कल बना है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है वो है 75 से लेके 75 से लेके 85 के बीच में यानी कि 82, 83, 77, 78 इसके बीच में बहुत सारे बच्चों का नंबर आया और ये सारे वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम से थोड़ी दिनों पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे थे ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा लिख के आया है और क्या लिख के आया अगर उनसे खुद पूछो कि भाई क्या लिख के आए हो दे वॉज लाइक बस लिख के आए हैं मगर रिजल्ट अच्छा मिला ओवरऑल बात करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया आई होप कि सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं कुछ पॉइंट्स बात करनी है इस बारे में पूरे रिजल्ट के बाद कुछ चीज़ों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्जाम्स है और एग्जाम्स के नियम है कि सारे बच्चों के एक सवाल नंबर नहीं आ सकते किसी का ज्यादा होगा और किसी का कम होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा आपसे कम नंबर पाया है तो इस रिजल्ट के बिहार पे आप जज नहीं कर सकते आप नहीं कह सकते कि अगर किसी का नंबर आपसे कम आया है तो उसकी तैयारी आपसे कम थी आप ये नहीं कह सकते कि उसका दिमाग आपसे कम है आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ने में वो आपसे कमजोर है इस रिजल्ट के बिहाब पे आप नहीं जज कर सकते ठीक सिमिलरली अगर आपका नंबर किसी से कम आया है तो आप इस बिहाब पे आप खुद हताश निराश नहीं हो सकते कि यार मेरा कम क्यों आया है क्योंकि रिजल्ट में नंबर जो मिले हैं ना अनप्रिडिक्टेबल है न, मोस्टली बच्चों का ये कहना है कि जो पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था उसमें भी अच्छे मार्क्स मिले हैं और ऐसा भी होता है कि हम समझते हैं कि जिस पेपर को हमने बहुत अच्छा करके आया उसमें भी कम समाज मार्क्स मिलें तो उस कहने का सिंपल सी बात यह है कि इस रिजल्ट के बिहाब पे आप दूसरों को नहीं जज कर सकते आप खुद में खुश हैं आप अपने मार्क्स से खुद खुश रहिए अगर आपका मार्क्स कम आया है और किसी और का मार्क्स ज्यादा आया इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे कमजोर हैं या फिर हम किसी और को इस बिहाब पे नहीं जज कर सकते क्योंकि उसका कम आया है मतलब वो हमसे कमजोर है उसके पास दिमाग नहीं तो इस रिजल्ट के बिहाब पे आप नहीं कर सकते ठीक है दोस्तों और दूसरी बात कि जो रिजल्ट है वो सिक्सटी प्लस तो सबका ही होगा मोस्टली सिक्सटी प्लस ही होगा और जो तो सबसे सिक्सटी की बात करें अगर आप एक बार गोरखपुर विश्वविद्यालय डी से बात करें किसी अन्य विश्वविद्यालय के बच्चों से बात करें तो बी एड में सिक्सटी प्लस लाना परसेंटेज इट्स अ बिग बिग डील मतलब वो दुआ करते हैं वो ड्रीम करते हैं कि यार उनका परसेंटेज सिक्सटी प्लस आ जाए बी एड में तो अवध विश्वविद्यालय की ये तो अच्छा ही है कि सारे बच्चों का सिक्सटी तो प्लस होगा ही होगा इवन सेवेंटी प्लस भी है सेवेंटी तो कहीं से डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि आपको परसेंटेज कम मिले इस बारे में डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं दूसरी बात आपको बी की डिग्री के आधार पर तो कोई नौकरी नहीं देने वाला अगर आपने लेट सपोज 90 परसेंट ही अचीव कर लिया बी पे तो कोई भी आपको सरकारी नौकरी बी के परसेंटेज पे नहीं दे सकता ठीक है आपको करना क्या है कि इसके बाद से बहुत सारे एग्जाम्स हैं सी टेट यू पी टेट सुपर टेट सो मेनी एग्जाम्स आर तो अभी आपको क्या करना है बी एड ईयर में अपने एग्जाम्स के साथ साथ आपको टेट की किताबें भी अपने पास रखनी है उसको पढ़ना पड़ेगा अगर संभवता है हो सके तो जो भी कोचिंग्स आप प्रेफर करते हो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर कोई ऐसा मेंटर कोई ऐसा टीचर जो आपको बस गाइड कर सके आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा बी एड सेकेंड ईयर के साथ ही साथ ठीक है आप ये नहीं कर सकते कि सब सेकेंड ईयर खत्म होगा उसके बाद नहीं आपको साथ ही साथ शुरू करना पड़ेगा दोस्तों हाँ सबसे खास बात यह है कि मैं अपने बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ अगर जरा सोचिए कि आप मेरे चैनल से और मुझसे कितने दिनों से जुड़े हैं मैं भी मैक्सिमम टू मंथ्स थ्री मंथ्स फोर मंथ्स तो इन चार महीनों में जिस हिसाब से हमारा कनेक्शन रहा जिस हिसाब से हमारी तैयारी रही यूट्यूब के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जिस हिसाब से आपने लिखा क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं आप जरा इस चार महीनों का आकलन करिए और सोचिए कि क्या हो अगर हम पूरे साल एक साथ कनेक्टेड होकर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लें प्रीवियस के क्वेश्चन देख लें तो कितना मज़ा आएगा तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ हम आई हैव रिसीव सो मेनी मैसेजेस इवन इन द कॉमेंट बॉक्स And in the Telegram channels messages, I have received so many messages. रिसिव guys are so thankful, बहुत सारे यू you नो know, compliments के comments आ रहे हैं कि सर thank you so much ये चीज़ें अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है But all the praises goes to you, सारी तारीफें aapki hai क्योंकि exams में आपको ही लिख के आना है एग्जाम्स में आपको ही कदम चलानी है तो सारी तारीफें आपकी हैं कि आपने बेहतर लिखा बेहतर हेडिंग बनाई बेहतर पॉइंट्स पुट आउट किए और आपको अच्छा मार्क्स मिल गया तो सारी तारीफें आपकी हैं बेशक मैं आपकी तारीफ में कमी नहीं कर रहा मगर हाँ मेरी खुशी होती है ये ना मेरा अफर्ट मुझे मजा आता है कि चलो मैं अगर कोई चीज़ें हैं मेरे पास तो मैं आपको बता दूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ और इससे क्या होता है ना एक मार्गदर्शन मिल जाता है एक गाइडेंस मिल जाती है, समझ में आने लगती है, तो पढ़ने में आसानी होता है हमारा रिलेशन कैसा रहा हमने साथ कैसे पढ़े आप इसको जरूर एक्सप्लेन करें कमेंट बॉक्स में ताकि देखिए सिंपल सी बात है इसका मतलब ये नहीं बस मेरी तारीफ करें अगर मैं बकवास हूं आई मीन नॉट बकवास बट वट इफ यू फील दट आर नॉट गुड फिल फ्री टू से इन द कमेंट बॉक्स अगर मेरी स्ट्रेटेजी मेरी पढ़ाई या फिर मेरे वीडियोस हेल्पफुल नहीं है तो आप कमेंट बताइए खुल के बताइए होगा क्या कि आने वाले बच्चों का फायदा होगा ठीक है अगर अच्छा है तो फिर वो भी कमेंट बताइए ताकि वो भी आने वाले बच्चों का फायदा होगा मगर मतलब ऐसे यूट्यूब पर मुझे खुशी होगी अगर आप तारीफ मतलब जो भी आपका फीडबैक हो अब जरूर दीजिए अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं सीरियसली पढ़ने की बात करें देखिए सबसे पहले मैं बात करूं सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हम तैयारी कैसे करें सेकेंड ईयर की या फिर बात करें फर्स्ट ईयर की तैयारी कैसे करें तो देखिए अब इसका क्या करना है मेरे पास कुछ बुक्स मैं बता रहा हूँ ये अवध सीरीज़ है ये आर के सीरीज़ है मेरे पास इसके साथ साथ मेरे पास ये ज्ञानोदय है ठीक है बी सारे बड के हैं और अवध विश्वविद्यालय का ज्ञानोदय है इसी के साथ साथ मेरे पास सूर्या सीरीज है ठीक है सूर्या सीरीज ये इंग्लिश में है ठीक है इसके साथ ही साथ मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स तो हैं ही और साथ ही साथ मेरे पास ना टेक्स्ट बुक भी है ये आर लाल की टेक्स्ट बुक आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो ये आर लाल पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक है इसके अलावा आप देखेंगे तो अग्रवाल पब्लिकेशन की मेरे पास टेक्स्ट है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस ये ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे पास अग्रवाल पब्लिकेशन की नॉलेज एंड करिकुलम है ठीक है इंग्लिश में और इसके अलावा देखेंगे तो अग्रवाल पब्लिकेशन की ये शायद अग्रवाल पब्लिकेशन की ही है हां अग्रवाल पब्लिकेशन की है प्रस्पेक्टिव सॉरी वही साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये सेकंड पेपर बी है तो ये सारी किताबें जो है ना ये सारी किताबें ये सारी किताबें अब इसमें से आपको कौन सा चूज करना है इसमें से आपको कौन सा पढ़ना है इसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा मैं इस तो एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और दूसरी बात अरे एक मिनट दूसरी बात यह है कि मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ जैसे ये सीरीज है इस सीरीज को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस सारे सीरीज का मैं स्कैन करके पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप तैयारी अभी से शुरू कर दें ये जो मेरे पास पेपर ये जो सीरीज है ना वो अवध सीरीज बी एड सेकेंड ईयर की है ठीक है मोस्टली एटी पेजेस का है तो मैं इसका ईजिली पी बना सकता हूँ और ये भी सीरीज़ मेरे पास कौन सी है भाई बी एड ईयर पेपर वन ध्यान से देख लीजिए बी एड ईयर पेपर वन की है तो ये भी ईजिली पी बन सकता है इसका भी पी बना के मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा चैनल पे थोड़ा सा लेट से शुरू होता है बट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे इजीली मिल जाएगा आपको और वहां पे मैं शेयर कर दूंगा इसी के साथ ही साथ मेरे पास कौन सी बुक है ये ये वाली है ज्ञानोदय ठीक है तो इसमें भी आपको इसमें कौन सा चूज करना है वो भी सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बना दूंगा ठीक है बस पढ़ना है मतलब मेरी सिंपल सी बात है कि मुझसे जितना हेल्प हो सके मैं वो सब आपको कर दूँ जो भी चीज़ें हो सके वो मैं आप तक पहुँचा दूँ ठीक है तो अब आइए इस वीडियो को खत्म करते हैं बस एक चीज आप करिए कमेंट में आप मुझे बताइए कि हमारा चैनल कैसा रहा हमारा एक साथ काम करने का तरीका कैसा रहा और क्या मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं कि नहीं अगर हाँ तो भी बताइए ना तो भी बताइए ताकि मैं आप और वीडियोस को इंप्रूव करूँ और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई जानने वाला क्योंकि आ, आप देखेंगे ना तो मोस्टली वीडियोस अवेलेबल नहीं है अपने विश्वविद्यालय बी से संबंधित तो जो भी आपका सह संबंधी जानने वाला दोस्त या दुश्मन भी मान लो अगर वो बी से रिलेटेड है तो उसको कहिए कि वो चैनल से जुड़ा रहे एक क्योंकि हो सकता है उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो वो बता दे आपके फायदे के लिए हो जाए तो वो ऐसी चीज़ें जुड़ी रहेंगी बाकी रही ये बात किताब की बुक्स की तो इससे बुक्स में आपको कौन सी बुक खरीदनी है कौन सी पढ़नी है क्या चीज़ें हैं इसकी स्ट्रैटी क्या है इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा और उसी ही वीडियो में मैं इसका पी बना के लिंक दे दूँगा ताकि आप तक पी मिल जाए ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे तो बस जो भी हो आप जो भी कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी कर सकते हैं करिए और थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेट करिए इंस्पायर करिए ताकि मुझे खुशी हो और वीडियोस बनाने में मैं तो बनाऊंगा ये मेरा शौक़ है ये मेरा पैशन है मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है तो मैं ये वीडियोज़ तो बनाऊँगा सो अच्छा लगा है आप सबसे बात करके बाकी वीडियोज़ अगली वीडियो में ठीक है और रही बात लाइक और सब्सक्राइब की आपने कभी नोटिस किया होगा आज आज मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ सीरियसली जब बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना कि सर मेरे 80 परसेंट एटी परसेंट तो मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे साल मतलब इतने सीरियस ना होने के बावजूद भी लास्ट टाइम पे बच्चे इतने सीरियस और इतने अच्छी मेहनत करी कि उनका परसेंटेज 80 प्लस या 75 प्लस आया तो बहुत खुशी की बात है इसलिए मैं आज खुश हूँ और इसलिए मैं ज़्यादा आपसे बातें कर रहा हूँ तो आप जो भी कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर दूसरों को भेजना मतलब जो भी आप अपने तरफ से कर सकते हैं प्लीज़ डू दैट और बाकी सारे वीडियोज़ बात कर देंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं कमेंट बॉक्स में तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि एक अच्छा रिलेशन बना रहे ओके बहुत बहुत दो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो के लिए देखने के लिए जय हिंद जय भारत और आखिरकार जाते जाते सभी बी फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक बार और ढोल तासे जय हिंद